दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एकेडमी प्लस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि MATLAB की हेल्प से आप डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। आई एम श्योर यू मस्ट हैव स्टडीड दिस टॉपिक इन योर 12th क्लास। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं cos 8x को। दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक टूल बॉक्स को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिसको कहते हैं सिंबॉलिक टूल बॉक्स या फिर कह सकते हैं सिंबॉलिक मैथ टूल बॉक्स। जैसे नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पर मैथ्स के लिए ही हम यूज कर रहे हैं, मैथ्स की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए इस टूल बॉक्स को यूज करने जा रहे हैं। बेसिकली इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपली आपको लिखना है हेल्प स्पेस सिम्स SYMS। सिम्स का मतलब यहाँ पर है सिंबॉलिक टूल बॉक्स, और यहाँ पर एंटर करना है। आप जैसे ही एंटर करते हैं यू कैन सी यू हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सिंबॉलिक टूल बॉक्स। तो मैं इसको स्क्रॉल अप कर लेता हूं। ओके फाइन, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिम्स शॉर्टकट फॉर कंस्ट्रक्टिंग सिंबॉलिक वेरिएबल्स। सिंबॉलिक वेरिएबल्स का यूज होने वाला है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा है cos 8x, तो यहाँ पर एक वेरिएबल है x, तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस टूल बॉक्स। ओके, इसके थ्रू आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। ओके नाउ लेट मी गो डाउन। हियर यू कैन सी ईच इनपुट आर्ग्यूमेंट मस्ट बिगिन विद अ लेटर एंड मस्ट कंटेन ओनली अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स। इसका मतलब है कि कोई भी इनपुट आर्ग्यूमेंट आप देने वाले हैं वो लेटर से ही स्टार्ट होगा और उसके अंदर क्या होगा, अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स ही होंगे। नाउ लेट मी सॉल्व दिस एग्जांपल। ओके नाउ मेक इट क्लियर बाय यूजिंग दिस कमांड clc। तो हमारे पास प्रॉब्लम थी cos 8x। ओके दिस वाज द प्रॉब्लम। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। सबसे पहले आपको यूज करना है सिम्स। सिंपली आपको लिखना है सिम्स, और यहां पर जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसको डिफाइन करना है। तो सिम्स स्पेस एक्स, आपको स्पेस हर बार देना है। जैसे यहां पर आपके पास एक ही वेरिएबल है तो आपने एक वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है, दैट्स इट। अगर यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल होते, तीन होते, चार होते, तो आप उन सभी वेरिएबल्स को आप यहां पर डिफाइन करते बाय गिविंग स्पेस, सिंगल स्पेस। लेट्स से कि मैं इसको एक नाम असाइन कर देता हूं, इसका नाम होगा फंक्शन f। f इज इक्वल टू cos 8 इनटू x एंड देन सेमीकोलन। नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू यूज अ कमांड नेम्ड एज diff। सो दिस कमांड विल बी रिटन इन द स्मॉल लेटर्स, not in capital. Okay, keep a note of it that this command is going to be written in small letters, not in capital. So what you have to do, simply jo variable aapne define kiya hai function f is equal to cos of 8 into x, to yahan par simply aapko f likhna hai, na ki cos 8 into x. To aap yahan par likh dijiye f, aur iske baad aapko enter press karna hai। तो दोस्तों जैसे ही आप एंटर करते हैं आप देख सकते हैं आपको मिल चुका है इसका डिफरेंशिएशन। सो द डिफरेंशिएशन ऑफ cos 8x इज -8 इनटू sin ऑफ 8x। ओके नाउ लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। ओके नाउ अज्यूम दैट यू हैव अ डिफरेंट फंक्शन नेम्ड एज t। t इज इक्वल टू exp exp x, दैट मींस e टू द पावर x into multiplied sine of x। ओके यहां पर एक जरूरी पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि मैंने यहां पर सिंबॉलिक टूल बॉक्स को दोबारा से यूज नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो वेरिएबल है वो x है, जो t फंक्शन है उसके अंदर x वेरिएबल ही डिफाइंड है। तो जो सिम्स है वो यहां पर भी x ऑलरेडी डिफाइंड है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो x मैंने डिफाइन किया है वो इसके लिए भी अप्लाई होगा। तो आपको दोबारा से इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका वेरिएबल डिफर करता है, यानी आपके पास लेट्स से कि दो वेरिएबल आ जाते हैं x और y,
तो आपको फिर यहां पर सिम्स एक्स स्पेस वाई, तब आपको सिम्स दोबारा यूज करना है, नहीं तो नहीं करना है। अगर आपका सेम वेरिएबल कंटिन्यू है तो आप एक बार यूज करके छोड़ दें उसको। ओके नाउ इतना करने के बाद आपको यहां पर यूज करना है सेमीकोलन और प्रेस एंटर, देन सिंपली यूज डिफ कमांड। डिफ स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन, देन राइट दिस फंक्शन नेम टी एंड देन प्रेस एंटर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस डिफरेंशिएशन ऑफ टी। फाइन, एक लास्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें हम यूज करने जा रहे हैं तीन वेरिएबल्स को। तो जब आपके पास तीन वेरिएबल हैं तो हम इस कमांड को दोबारा से यूज करेंगे, सिम्स टूल बॉक्स को दोबारा से लिखेंगे। सिम्स आपको लिखना है शॉर्ट में। सो जो तीन वेरिएबल हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। लेट से यू हैव पी स्पेस क्यू देन आर, पी क्यू आर, ओके एंड देन प्रेस एंटर। एंड यू हैव अ फंक्शन डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉस ऑफ p into q minus r. So this is your function, okay? Cos p into q minus r. And then you can use semicolon, then press enter. And as usual, you have to use di double f. Write the name of function inside the parenthesis w and then press enter. So here you can see you have your differentiation of function w. So this is quite easy to solve these kind of problems by using symbolic toolbox and by using this command, diff command, okay? So this is all for this video. Thank you so much for watching this video.